खरगोन जिले के ग्राम धुलकोट में बुधवार को क्षेत्र का पहला भगोरिया हाट लगा। हाट बाजार में वनांचल के ग्रामीणों ने जमकर खरीदारी की, साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई भी दी है। हाट में लगे झूलों का भी युवक युवतियों ने जमकर आनंद लिया। वो बच्चों ने खाने पीने की वस्तुओं के साथ खिलौने भी खूब खरीदे। भगोरिया हाट में 40 से अधिक गांवों के आदिवासी समाज के लोग हजारों की तादाद में शामिल हुए। बदलते परिवेश में समाज के युवक युवतियां एक जैसी ड्रेस कोड में नजर आए, तो वहीं मोबाइल फोन से सेल्फियां भी ली। इस दौरान बांसुरी की धुन और ढोल की थाप पर बड़े बुजुर्ग एवं युवा जमकर थिरके। साथ ही भगोरिया हाट में पारंपरिक पोशाक पहनकर समाज के लोगों ने आदिवासी संस्कृति की छटा बिखेरी। वहीं युवक युवतियों ने भी हाथों में अपने नाम गुणवाती नजर आई। धुलकोट में भगोरिया हाट को देखने 50,000 से अधिक क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोग उमड़े। दुकानदारों ने बताया कि पहला भगोरिया हाट होने से औसतन ग्राहकी अच्छी रही, भीड़ तो खासी थी। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहा। SDOP संजू सिंह, थाना प्रभारी रमेश भास्कर सहित आदि पुलिस कर्मियों ने व्यवस्था संभाली। इसी तरफ बुधवार को सिरवेल में भी भगोरिया हाट लगा। सांसद गजेंद्र पटेल भी सिरवेल पहुंचे और एक दूसरे को बधाई दी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत धुलकोट में बुधवार का पहला भगोरिया है, जो कि बहुत ही अच्छे से लोगों में उत्साह के साथ आज देखने आए हैं लोगों ने। और पहाड़ी अंचलों होने के कारण आज भगोरिया जल्दी लग गया और अभी हमारे यहाँ पूरी ग्राम पंचायत के लोग और हमारी पूरी टीम उनको सेवा देने का कार्य कर रही है। और हमारे ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने में किसी समाजजनों को परेशानी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था कर रखे हम लोगों ने। और अच्छे से हमारे लोग आज भगोरिया का जो हाट है वो कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम सालकराम किराड़े, ग्राम पंचायत धुलकोट सरपंच। आज धुलकोट में भगोरिया हाट है और जो हमने शासन प्रशासन से मांग करी थी, हमारे 5 बिंदु थे उसमें, कि हमारे आदिवासी भाई बहन माताएं के लिए पानी की व्यवस्था की जाए और भगोरिया हाट में भौरा तितली छट्टा पट्टा पर पूर्णतः रोक लगी जाए और जो खुली और अवैध शराब बिक्री होती है, जिससे हमारे भगोरिया हाट में आए हुए युवा नशा करके और गाड़ियों चलाकर एक्सीडेंट होता और अप्रिय घटना होती है, इस वजह से उसी वो भी मांग की थी। और विशेषकर हमने प्रशासन से मांग की थी कि पुलिस की व्यवस्था और महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए कि हमारी माता बहनों के साथ में छेड़छाड़ी। आज प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और अच्छा काम हो रहा है और हमारे भाई बहन अच्छे से भगोरिया हाट में होली माता की खरीदी कर रहे हैं। आगामी त्यौहारों को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो क्षेत्रवासियों को? आगामी त्यौहार को लेकर ये संदेश देना चाहते हम लोग कि जिस तरह से अभी शांतिप्रिय त्यौहार हमारे हो रहे हैं, उसी तरह सभी हमारे जितने भी 6-7 भगोरिये हैं वो शांतिप्रिय रहे और हमारे लोग अच्छे से खरीदी करें हाट बाजार में और अच्छे से होली माता जलाए और अपना होली माता पर्व मनाए। क्या नाम लिखते हो आप? मैं सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष खरगोन द्वारा। यहाँ क्षेत्र में आज से लेके 7 तारीख तक भगोरिया कार्यक्रम स्टार्ट है। भगोरिया में काफ़ी मात्रा में पुलिस बल लगा हुआ है और सभी लोगों से और प्रशासन की टीम लगी हुई है, उन लोगों से भी विनती की गई है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये उत्सव मनाएं। लोगों का भी इसमें काफ़ी सहयोग है। पुलिस बल भी बढ़ाया गया भगोरिया में? हाँ, काफ़ी पुलिस बल बढ़ाया गया है इसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।